नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार में इन विषयों के लिए भी मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। शिक्षक संघ के साथ सीएम की बैठक के बाद महागठबंधन के नेता का बयान। राइटनिंग चैम्बर लगाने पर 5% तक की सब्सिडी देगी बिहार सरकार। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर बैन को इतने दिनों के लिए टाला। बिहार के 49 रेलवे स्टेशन बनेंगे आधुनिक, पीएम मोदी आज रखेंगे नींव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 450 पदों पर निकाली भर्ती। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिस्क इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके तहत कुल 450 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है। वहीं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी क्षेत्र में कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। दोनों में से किसी भी डिग्री परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। सामान्य उम्मीदवारों के लिए और SC ST PW BD उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% हो। राइटनिंग चैम्बर लगाने पर 5% तक की सब्सिडी देगी बिहार सरकार। बिहार सरकार की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी फसलों की तरफ आकर्षित करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकार की ओर से राइटनिंग चैम्बर स्थापित करने पर 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाया जा रहा। बता दें कि इसकी इकाई लागत करीब 1 लाख रुपए मानी गई है, जिस पर व्यक्तिगत किसानों और उद्यमी किसानों को 50% यानी कि 50,000 रुपए तक का सहायता अनुदान मिलेगा। वहीं FPO FPC के प्रति यूनिट पर 75% यानी 75,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान बिहार सरकार के बागवानी विभाग के वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंदार पर्वत रोपवे के बारे में। मंदार पर्वत रोपवे बांका जिले में पर्यटन विभाग द्वारा बनवाया है, जिसकी सवारी करना काफी रोमांचित करने वाला है। इस नवनिर्मित रोपवे में बैठकर पर्यटक मंदार पर्वत की ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन आसानी से कर पाएंगे। पर्यटक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीताकुंड, भगवान नरसिंह गुफा मंदिर, गौशाला, योनिकुंड सहित अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन कर सकते हैं और इतनी ऊंचाई से मनोरम वादियों का लुत्फ उठाना अपने आप में एक सुखद एहसास है। मंदार पर्वत रोपवे बांका जिले में पर्यटन विभाग द्वारा बनवाया है, जिसकी सवारी करना काफी रोमांचित करने वाला है। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के तहत इन परीक्षाओं का करे तैयारी। बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना है। इसके तहत छात्र छात्राओं को मैनेजमेंट लॉ, गेट, JRF, CSIR, PhD, MPhil आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी की सुनहरा अवसर प्रदान किया जाता है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है, जिसके तहत छात्र छात्रा बिहार के स्थायी निवासी हो, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो, आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अनुरूप हो और छात्र छात्रा की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख रुपए होनी चाहिए। बता दें इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्रा 31 अगस्त 2023 तक https://bceonline.bih.nic.in/mcsy/online/petc/default.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के 49 रेलवे स्टेशन बनेंगे आधुनिक, पीएम मोदी आज रखेंगे नींव। आज यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत देश के कुल 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, जिसके पहले चरण के तहत कुल 24,470 करोड़ रुपए की लागत से 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं 508 स्टेशनों में से 49 रेलवे स्टेशन बिहार के भी शामिल है, जिनका पहले चरण के तहत
विकास किया जाएगा, जिसमें स्टेशन पर स्टेशन पहुंच मार्ग, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, मुफ्त वाईफाई प्लेटफॉर्म, पेयजल व्यवस्था और ब्रिज ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड जैसे सुविधाओं का उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बिहार में इन विषयों के लिए भी मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीएड और आईटीआई डिप्लोमा करने वालों को भी मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से ऋण मुहैया कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत विद्यार्थियों को 2,90,000 रुपये का ऋण मिलेगा। वहीं आईटीआई के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करने वालों को इस योजना के तहत 2 लाख रुपये के ऋण मिलेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में हुए इस बदलाव के बाद बिहार के विद्यार्थियों को 10 अलग अलग पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक ऋण दिए जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए मिलने वाली ऋण 4 लाख रुपए की राशि को कम कर अब 3 लाख रुपए कर दी गई है। सीएम की बैठकों में आए मामलों की समीक्षा करेगा जल संसाधन विभाग। मुख्यमंत्री की बैठकों में आए मामलों की समीक्षा अब जल संसाधन विभाग की ओर से की जाएगी। इस संबंध में 8 अगस्त को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सीएम के निर्देशों के साथ साथ इस वर्ष मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री की ओर से समाधान यात्रा के दौरान जल संसाधन विभाग से संबंधित कई निर्देश दिए गए थे। ऐसे में विभाग की ओर से इसकी भी स्थिति की जाँच की जाएगी। इस समीक्षा में यह भी देखा जाएगा कि निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई परेशानी या बाधा तो नहीं आई है। विभाग के अभियंता प्रमुख के द्वारा लंबित मामलों की मुख्य अभियंता प्रचितवार सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है। साथ ही सभी लंबित मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए अगली बैठक में अद्यतन रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि विभाग की कोशिश है कि कुछ दिनों में सारे लंबित मामलों का निपटारा हर हाल में कर दिया जाए। देश के अन्य राज्यों में लहलाएंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची के पौधे। मुजफ्फरपुर के शाही लीची के विस्तार की कवायद चल रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की ओर से मुजफ्फरपुर की जलवायु और मिट्टी के तर्ज पर देश के कई राज्यों में शोध किए गए हैं, जिसमें से देश के 19 राज्य ऐसे पाए गए हैं जहां की जलवायु और मिट्टी लीची उत्पादन के लिए बेहतर है। बता दें कि इस शोध का प्रकाशन द इजिप्टियन जर्नल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंसेज में किया गया है। मालूम हो कि जिस 19 राज्य का जलवायु और मिट्टी लीची उत्पादन के लिए बेहतर है, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रविंद्र किशोर सिन्हा के बारे में। रविंद्र किशोर सिन्हा का जन्म 22 सितंबर 1951 को हुआ था। इन्हें आर के सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारतीय अरबपति, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार है। रविंद्र किशोर सिन्हा भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक निजी सुरक्षा प्रदाता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के संस्थापक हैं। सिन्हा राजनीति विज्ञान और कानून से स्नातक हैं और उन्होंने अपना करियर एक पत्रकार के रूप में शुरू किया था। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए सुरक्षा और खुफिया सेवाएं बनाई। रविंद्र किशोर सिन्हा को 2014 में भारतीय उच्च सदन में संसद सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के लिए चुना गया था। अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इंजीनियर स्कूलों में करेंगे टीचर का काम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में के पाठक के द्वारा अब विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिहार के स्कूलों में निरीक्षण को जाने वाले पदाधिकारी अब केवल स्कूलों का निरीक्षण करने और स्कूलों की स्थिति देखने ही नहीं, बल्कि वहां वे बच्चों को आधे 1 घंटे पढ़ाने का भी काम करेंगे। वहीं विभाग के इंजीनियर बच्चों को लैब में पढ़ाएंगे। मालूम हो कि के पाठक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी कई स्कूल ऐसे हैं जहां के शिक्षक बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसलिए निरीक्षण के दौरान पदाधिकारी इन बातों पर भी खास ध्यान देंगे। वहीं स्कूलों के निरीक्षण पर गए इंजीनियर स्कूलों के प्रयोगशाला की स्थिति का जायजा लेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि प्रयोग कैसे किया जाता है। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में होगी डीएनबी की पढ़ाई। बिहार के अब सभी जिला अस्पतालों में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी कि डीएनबी की पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी, ताकि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और उच्च स्तरीय शिक्षा बहाल हो सके। बता दें कि डीएनबी कोर्स को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत अब हर जिला अस्पताल में अलग अलग विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट के समकक्ष कोर्स आरम्भ किए जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों के प्रभारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके साथ ही जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम के तहत सभी जिला अस्पतालों में 3 माह के लिए पीजी डॉक्टरों को भी भेजा
दिया जाएगा। बता दें कि डीएनबी की ओर से जिस अस्पताल में जिस कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें बक्सर, रोहतास, समस्तीपुर, मधुबनी और सुपौल जिला अस्पताल में शिशु रोग कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं बांका व जमुई, लखीसराय व सहरसा, गोपालगंज, मधेपुरा, अरवल, किशनगंज, अररिया और शिवहर जिला अस्पतालों में महिला एवं प्रसूति रोग कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल है जिनमें विभिन्न कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवादा से दो साइबर ठग हुए गिरफ्तार। बीते दिन शनिवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से बिहार के नवादा से दो साइबर ठग को गिरफ्तार कर ट्रांजिट डिमांड पर अपने साथ लेकर जाया गया है। इस मामले को लेकर वारिसलीगंज थाना प्रभारी के आशीष कुमार मिश्रा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पहुंची थी और फिर नवादा पुलिस के सहयोग से पश्चिम बंगाल पुलिस ने साइबर क्राइम करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मीरबिघा गांव से दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को बंगाल पुलिस अपने साथ लेकर गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना वारिसलीगंज थाना क्षेत्र की चकबाई पंचायत के मीरबिघा गांव का है। मालूम हो कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान सूरज कुमार और उज्जवल कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि यह दोनों युवक गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर आर्मी जवान से 26 लाख रुपए की ठगी करे थे। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर बैन को इतने दिनों के लिए टाला। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि केंद्र सरकार के द्वारा लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर बैन को 1 नवंबर 2023 तक के लिए टालने का फैसला ले लिया गया है। मालूम हो कि पिछले गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया था कि लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। लेकिन अब इस फैसले पर फिर से पुनर्विचार करते हुए इसके समय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रतिबंधित कंसाइनमेंट को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन 1 नवंबर के बाद ऐसी वस्तुओं के आयात के वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी उसके बाद अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 6 अगस्त को बारिश को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि शेखपुरा, नवादा एवं जमुई के एक या दो स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। साथ ही पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, नालंदा, बांका, जहानाबाद एवं गया जिलों में 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अपडेट के अनुसार इस तरह के हालात 9 अगस्त तक रहने की संभावना जताई गई है। सूबे के 7.5% छात्राओं को ही मिलेगा किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ। राज्य की 7.5% छात्राओं को ही इस वर्ष किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। स्कूलों में 75% उपस्थिति पूरी नहीं होने से लगभग 40% छात्राएं इस योजना का लाभ उठा नहीं पाएंगी। बता दें कि योजना लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि इस बार NIC के माध्यम से योजना की राशि ऑनलाइन भेजी जा रही है, ऐसे में जिला शिक्षा कार्यालय और NIC दोनों ही स्तर पर इसकी कई बार जाँच हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ सरकारी स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को दी जाती है। मालूम हो कि इस बार 9वीं से 12वीं तक में कुल 28,66,495 छात्राओं को लाभ मिलने वाला था, लेकिन अब इस योजना का लाभ केवल 20 लाख छात्राएं ही उठा पाएंगी। इस योजना के तहत छात्राओं को 300 रुपए की राशि सालाना दी जाती है। नेपाल से बिना अनुमति के फिर भारत आ सकेंगे वाहन। बीते दिनों ऐसी खबर सामने आई थी कि नेपाल से भारत आने वाले 4-पहिया वाहन को आने के लिए MBC से परमिट लेनी होगी, लेकिन अब इस आदेश को दूतावास की ओर से कई बिंदुओं पर विचार करते हुए वापस ले लिया गया है और नेपाल से भारत आने वाले 4-पहिया वाहन पर लगे रोक को हटा दिया गया है। यानी कि अब पहले की तरह ही बिना रोक टोक के नेपाल के वाहन भारत के निकटतम बाजार के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व नजदीकी थाना तक आवाजाही कर सकेंगे। इस बारे में स्थानीय कस्टम अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बगैर पास यानी परमिट के नेपाली वाहनों को भारतीय सीमा में प्रवेश पर रोक लगाने के उक्त आदेश को वापस ले लिया गया है, जिससे पूर्व की तरह नेपाली 4-पहिया वाहन भारत तक आ सकेगा। बिहार के लाल अमन ड्रैगन बोट के वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा।
बिहार के भागलपुर के अमनरा 7 अगस्त से थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एशिया ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में भाग लेने वाले हैं। बता दें कि इस चैंपियनशिप को लेकर अमन पिछले कुछ समय से कोलकाता में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले अमन कई जिला और राज्य स्तर के प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित होने के लिए सबसे पहले अमन को राज्य स्तर के प्रतियोगिता में सफलता हासिल करनी पड़ी और फिर उनका चयन कोलकाता के लिए हुआ, जहाँ वह पिछले 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ट्रायल का चयन भारतीय ड्रैगन बोट टीम के लिए हुआ। अब एशिया चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाने वाले हैं। बता दें कि अमन की इस उपलब्धि से उसके परिवार वाले काफी खुश हैं। शिक्षक संघ के साथ सीएम की बैठक के बाद महागठबंधन के नेता का बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की गई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मूड ठीक है और सकारात्मक था, जल्द ही वह इस पर फैसला लेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान के द्वारा बताया गया कि बैठक में सारी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई हैं, सारी बातें पॉजिटिव हुई है, जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला आएगा। मुख्यमंत्री ने हमारी बातें सुन ली है, अब वे अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द ही अपना फैसला देंगे। इसके अलावा माले विधायक संदीप सौरभ के द्वारा कहा गया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला आ जाए। सीपीआई और सीपीएम के विधायकों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक तरीके से बात की है, वे जल्द ही सही फैसला लेंगे। राहुल गांधी से मिलने के बाद पटना पहुंचे लालू तेजस्वी। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद वापस पटना लौट चुके हैं। ऐसे में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसने का काम किया। लालू यादव ने कहा कि लड़ने पर ही जीत होती है, जो लड़ेगा वह जीतेगा, जो डरेगा वह हारेगा। न्यायालय ने जो फैसला लिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, यह न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके द्वारा राहुल गांधी को तंग किया जा रहा था, सत्ता में बैठे जितने भी लोग हैं वह किसी न किसी तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन लड़ने वाला ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं, यह तो समय ही बता सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान। पिछले काफी समय से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अब तक इसकी तारीख तय नहीं की गई है। वहीं अब इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा सदाकत आश्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हो चुकी है, कल भी तिथि निर्धारित करने पर बातचीत हुई है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वह पटना आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर बात करके तारीख तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बोर्ड आयोग में भी जगह मिलेगी, सब बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नजरअंदाज कर कैसे कोई मामला चलेगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल गांधी को बनाया जाए, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वह गठबंधन के नेताओं को मिलकर लेना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में प्रारंभ किया। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई। भारत व ऑस्ट्रेलिया में 2001 को आर्थिक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया। सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 2008 में आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में 880 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल बायलॉर लगाने का ऑर्डर मिला, जो इस श्रेणी का पहला ऑर्डर है। स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के एम चांडी का जन्म 1921 को हुआ था। भारत के 5वें लोकसभा अध्यक्ष गुरदया सिंह ढिल्लो का जन्म 6 अगस्त 1915 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर एजी कृपाल सिंह का जन्म 1933 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 को हुआ था। भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक एम नाइट श्यामलन का जन्म 1970 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का निधन 1925 को हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता सूरज भान का निधन 2006 को हुआ था। भारतीय नेता भूपेश गुप्ता का निधन 1981 को हुआ था। बड़ेखंड में आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपको भी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से एक समान ईमेल प्राप्त हुआ है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये ईमेल फर्जी है, भारत सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा ऐसी कोई ईमेल नहीं भेजा जा रहा है। अपने साइबर अपराध संबंधी शिकायतें https://cybercrime.gov.in/webform/crime-autho-login.aspx पर दर्ज करें।
इंस्टाग्राम पर आने वाले बेकार के मैसेजेस से अब मिलेगी मुक्ति। अगर आप इंस्टाग्राम पर आने वाले बेकार के मैसेज से परेशान हैं तो बहुत जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि मेटा इंस्टाग्राम में दो नए फीचर्स जोड़ रहा है। दरअसल कंपनी नॉन फॉलोवर्स के लिए इंस्टाग्राम में डीएम्स लिमिट लगा रही है। जल्द नॉन फॉलोवर्स दिन में केवल एक ही मैसेज रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। मैसेज भी केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, इसमें वीडियो और फोटो शामिल नहीं होगी। यानी अब एकाएक आने वाले मैसेज से आपको छुटकारा मिलेगा और स्पैम आदि भी नहीं आएंगे। इस फीचर पर कंपनी ने जून से काम शुरू किया था, जो अब फाइनल स्टेज में है। मेटा इसे जल्द लॉन्च कर सकती है। मेटा में महिला सुरक्षा प्रमुख सिंडी साउथवर्थ ने एक ईमेल में कहा कि हम चाहते हैं कि जब लोग अपना इनबॉक्स खोले तो उन्हें आत्मविश्वास और नियंत्रण महसूस हो। कंपनी के पास पहले से दुर्व्यवहार और अनुचित कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए फीचर्स मौजूद है। नए डीएम्स रिस्ट्रिक्शन लोगों को प्लेटफॉर्म पर और सेफ रखेगा। भारत बना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से इकोनॉमी के साइज का ये कैलकुलेशन परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत भारत ने टॉप 5 देशों में अपनी जगह बना ली है। बता दें कि भारत अब 11.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हालांकि सूची में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका को पीछे करते हुए 30.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज के साथ चीन पहुंच चुका है। वहीं दूसरे स्थान पर 24.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज के साथ अमेरिका, तीसरे पर भारत, चौथे पर 5.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज के साथ जापान और पांचवें नंबर पर 5.32 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज के साथ रूस है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख हुई तय। वैसे भक्त जो एक लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे थे, अब जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रस्तावित तिथि वर्ष 2024 के 21, 22 और 23 जनवरी तय की गई है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को भी संतों के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के हस्ताक्षर के साथ आमंत्रण पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 136 सनातन परंपराओं के 25,000 से ज्यादा संतों को भी आमंत्रित किया जाने वाला है और इन सबके अलावा 10,000 विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि महासचिव चंपत राय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह आयोजन 3 दिनों तक चलने वाला है। वहीं इसमें करीब 1,00,000 भक्त अभिषेक समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस समारोह के लिए न कोई मंच होगा और न ही कोई सार्वजनिक बैठक होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही जवाब दिया है, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के जेदी बुट्टासारी, कन्याकुमारी, मैटिकेला और जदेरी नमकट्टी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला सवाल, हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। अगला सवाल, हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहां में शुरू की गई है? ऑप्शन ए लेह लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेह लद्दाख। अगला सवाल, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1914। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1912। अगला सवाल, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुनर शर्मा, विकास दास, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, शिव कुमार, नन्नू गोलू कुमार, सरिता पासवान, गोलू कुमार यादव, पंचम वर्मा, सदुल्ला पलवी, अतीक खान, अमन कुमार, स्नेहा, धनंजय कुमार, पंकज कुमार दास, मुनीता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का सबसे ज्यादा मान बढ़ाने वाली व्यक्ति कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।